अच्छा जी स्टूडेंट्स, मॉक की कुछ और क्वेरीज जो है उसको सॉल्व करता हूँ। एक क्वेरी आई थी, क्वेरी नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की क्वेरी, इसको जल्दी से मैं सॉल्व करता हूँ। अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.2 मिलियन नाउ एंड 300,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। यानी कि एक प्रोजेक्ट में आज आपको 1.2 मिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं और फिर एक साल के बाद जो है ना वो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, दो इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, फिर लिखता है इट विल अर्न 200,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के आखिर में 2 लाख रुपए कमाए जाएंगे एंड देयर आफ्टर इट विल अर्न अ फिक्स्ड एनुअल अमाउंट अप टू 7th ईयर, और उसके बाद हर साल 7वें साल तक एक सेम अमाउंट का कैश इनफ्लो होगा। वो सेम अमाउंट हमें नहीं पता। इफ इंटरेस्ट रेट इज 11%, फाइंड द अमाउंट दैट द प्रोजेक्ट शुड अर्न एनुअली, दैट इज फ्रॉम इयर्स 3 to 7। ये अमाउंट आपको बताना है। इफ द कंपनी डिजायर्स टू अर्न अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100,000, अगर कंपनी की नेट प्रेजेंट वैल्यू 100,000 है। अब देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज के लिए मैं क्या करूं, ये 2 लाख ईयर जीरो पे लेकर आने के लिए 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 + 11% पावर 2 प्लस ईयर 3 वाला एक्स ईयर जीरो पे लेकर आने के लिए एक्स डिवाइडेड बाय 1 + 11% पावर 3, ईयर 4 वाला एक्स ईयर जीरो पे लेकर आने के लिए एक्स डिवाइडेड बाय 1 + 11% पावर 4, ईयर 5 वाला एक्स ईयर जीरो पे लेकर आने के लिए एक्स डिवाइडेड बाय 1 + 11% पावर 5, ईयर 6 वाला एक्स ईयर जीरो पे लेकर आने के लिए एक्स डिवाइडेड बाय 1 + 11% पावर 6, ईयर 7 वाला एक्स ईयर जीरो पे लेकर आने के लिए एक्स डिवाइडेड बाय 1 + 11% पावर 7। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हो गया। इसमें से माइनस कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो कि है एक तो 1.2 मिलियन और एक है आपके पास 3 लाख। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर लो। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.11 पावर 2 ये बन जाता है 162324, 162324। फिर ये जो पहला वाला एक्स है इसके लिए 1 / 1.11 पावर 3 ये बन जाएगा आपके पास 0.731x, 0.731x। इसके बाद 1 / 1.11 पावर 4 यानी कि 0.6587x, 0.6587x। उसके बाद तीसरा वाला होगा 1 / 1.11 पावर 5 यानी कि 0.593x, 0.593x। उसके बाद अगला वाला होगा, अच्छा तीन हो गए ना, चौथा वाला होगा 1 / 1.11 पावर 6 यानी कि 0.534x। उसके बाद होगा 1 / 1.11 पावर 7 यानी कि 0.481x। ठीक है, माइनस यहां पर होगा 1.2 मिलियन और 3 लाख दोनों को ऐड कर देते हैं और ये बन जाता है आपका 1.5 मिलियन। और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल होना चाहिए नेट प्रेजेंट वैल्यू के, यानी कि 1 लाख के 1 लाख रुपए नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है ना, देखो क्या हुआ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू।
अब क्या करेंगे, अब इसको लिख देते हैं 162324, उसके बाद 0.731 प्लस 0.6587 प्लस 0.593 प्लस 0.534 प्लस 0.481, ये टोटल आ जाता है 2.9977x माइनस 1.5 मिलियन। अच्छा एक मिनट, एक चीज, 3 लाख वाला कैश आउटफ्लो जो है ना, एक मिनट, ये कैश आउटफ्लो गलत है, 3 लाख वाला जो कैश आउटफ्लो है वो ये नंबर 1 पर है, तो इसको भी हम प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए 1+11% से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.11, और फिर इसमें हम ऐड करते हैं 1200000, तो ये बनेगा 1470270 इज इक्वल्स टू 1 लाख, ठीक है ना। अब 1 लाख प्लस 1470270 माइनस 162324 डिवाइडेड बाई 2.9977, तो हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है फोर सिक्स नाइन सिक्स सेवन फाइव, ये एक्स की वैल्यू आ रही है। अच्छा हैंड आउट में एक दूसरे तरीके से भी किया हुआ है, उस तरीके से भी आप लोग सवाल को सॉल्व कर लेना, ये तरीका काफ़ी लेंदी है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक और तरीका भी है जिससे सवाल सॉल्व हुआ है। चलें इससे अगले पे चलते हैं, 17 के बाद अगली क्वेरी है 24 पर मैं डायरेक्टली चलता हूँ, जो क्वेरीज हैं उन्हीं को सॉल्व करवा दूँ। अच्छा जी 24 जो है उसमें लिखा हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली सैलरीज ऑफ अ कंपनीज एम्प्लॉइज, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अच्छा यार ये जिसकी भी क्वेरी है, पहली ज़रूरत जो उसको ये है वो ये है कि भाई बुक की रीडिंग सही से कर लो, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बुक में दिए हुए हैं, बस आपने उससे कैलकुलेशन करनी है, मैं कर तो देता हूँ लेकिन मेरे ख्याल में आपने जो है वो बुक की रीडिंग सही से नहीं करी है। बहरहाल अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मुझे सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करने और फॉर्मूले अप्लाई कर कर ये पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का जो फॉर्मूला है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है समेशन ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एन, और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला जो है वो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन की वैल्यू। अब ग्रुप डेटा अगर दिया हुआ है तो उसमें हमें मीडियन ढूंढने के लिए भी एक फॉर्मूला याद रखना है। ग्रुप डेटा में मीडियन ढूंढने का क्या फॉर्मूला है, ग्रुप डेटा में मीडियन ढूंढने का जो फॉर्मूला है वो है एल प्लस एच अपॉन एफ एन अपॉन टू माइनस सी, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। और इसके लिए फिर हमें डेटा को जो है वो क्लास बाउंड्रीज में और सारी तरह से लिखना होता है। मैं चले कर देता हूँ कुछ हद तक वर्किंग, लेकिन ये क्वेरी होनी नहीं चाहिए। देखें भाई पहला हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 300, ठीक है ना, एक कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा 300, फिर आ जाएगा 570, 270 और 300 ऐड होगा, फिर 210 ऐड होगा तो 780 आ जाएगा, फिर 170 ऐड होगा तो 950 आ जाएगा, और फिर 1050 आ जाएगा। क्लास बाउंड्रीज अगर हम निकालेंगे तो क्लास बाउंड्रीज 3000 और 3500 जो पहला स्केल दिया हुआ है उसकी क्लास बाउंड्री होगी 2999.5-3500.5,
दूसरी क्लास बाउंड्री होगी 3500.5 डैश 4000.5, उसके बाद 4000.5 डैश 4500.5, उसके बाद 4500.5 डैश 5000.5, उसके बाद 5000.5 डैश 5500.5। ठीक है, इन क्लास बाउंड्रीज के बाद इनकी मिड पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल 2999.5 प्लस 3500.5, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 3250। इसी तरह से 3500.5 प्लस 4000.5 दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो काफ़ी मेरे ख्याल में यार ये सवाल मैं बस पहली रो समझा देता हूँ, बिकॉज कोई मुश्किल सवाल नहीं है। अगर ये किसी की क्वेरी है तो उसको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए कि वो थोड़ा सा सही से पढ़ ले। अच्छा देखो, मीडियन किस तरह से निकालते हैं ये क्लास में मैंने बताया है, सिखाया है। मीडियन का ये स्पेसिफिक फॉर्मूला है, ठीक है ना, मीडियन का ये स्पेसिफिक फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे निकालना है। यार ये सवाल जो है वो आप सोल्यूशन से आराम से देख लें, मेरे ख्याल में ये क्वेरी में होना नहीं चाहिए। अगर कोई बात फिर भी पूछनी हो आप पूछ लो, मैं इसको यहीं तक ही सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान है और सिर्फ वर्किंग है। मैं अपनी अगली क्वेरी पर चल रहा हूँ, अगली क्वेरी देख लेता हूँ। 24 के बाद 28, 29 और 27, ये तीन क्वेरीज बाकी हैं, तो मैं 27, 28, 29 कर लेता हूँ। 27, अच्छा 27 डेरिवेटिव्स का एक सवाल है, 27 देख लेते हैं। 27 जो है ऐसा एक पास पेपर भी है, इसको करते हैं जल्दी से। और इस सवाल में वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो था P इज इक्वल्स टू A माइनस बी क्यू। इसमें B क्या होता है? B होता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन डिमांड। चेंज इन प्राइस का क्या मतलब है? 5 रुपये यहाँ पर प्राइस है जब 80 यूनिट्स बिक रहे हैं, और उसको ये पता है कि व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज टू 12 पर यूनिट, जब प्राइस 12 पर चली जाएगी, द डिमांड इज रिड्यूस टू 45, तो डिमांड जो है वो 45 पर चली जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो चेंज इन प्राइस कितना है? 5 से 12 पर जाना, यानी कि चेंज इन प्राइस जो है वो 7 है, डिवाइडेड बाई चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कितना है? डिमांड कितने से चेंज हो रही है? डिमांड चेंज हो रही है 35 से। तो चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन डिमांड जो है वो आपका आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 35, विच इज 0.2। ये बी की वैल्यू है। ए की वैल्यू कैसे निकालते थे? ए वो प्राइस होती थी जिस पे डिमांड जो है ना वो 0 हो। अब आपको पता है कि जब 5 रुपये की चीज़ है तो 80 बिक रही हैं, ठीक है, और जब आपने प्राइस 12 रुपये कर दी तो 45 चीज़ें बिक रही हैं। तो ए को कैलकुलेट करने का एक तरीका ये है कि पहले तो इसको पी इज इक्वल्स टू ए माइनस 0.2 क्यू लिख दो। उसके बाद आप क्या करो कि जब प्राइस 5 है तब डिमांड 80 है ना, तो आप 5 पी की जगह लिख दो, क्यू की जगह 80 लिख दो। क्लास में एक और तरीका भी बताया था और ये तरीका भी अप्लाई हो सकता है। 0.2 × 80 जो है वो 16 बनता है, 5 + 16 जो है वो ए बनेगा आपका 21, ए जो है ना वो 21 बन रहा। तो आपका पी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू का ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक है भाई, ये आपका फंक्शन बन जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद देख लेते हैं भाई, 27 हो गया, 28 देख लेते हैं। एन इन्वेस्टर रिसीव्स अ टोटल ऑफ 5,700 फ्रॉम 3 स्टॉक्स यील्डिंग 4%, 5% एंड 8% पर एनम रिस्पेक्टिवली। द अमाउंट एट 4% इज 20,000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%, एंड द इंटरेस्ट फ्रॉम द 8% इन्वेस्टमेंट इज 8 टाइम्स द इंटरेस्ट फ्रॉम द 5% इन्वेस्टमेंट। हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड इन ईच स्टॉक?
और ये 28 जो है इसके बाद भी ठीक है, 29 भी क्वेरी है, 28 को मैं सॉल्व करता हूँ। वो बोलते हैं कि एन इन्वेस्टर रिसीव्स अ टोटल ऑफ 5,700 पर एनम इन इंटरेस्ट। एक इन्वेस्टर उसको तीन जगह से इंटरेस्ट मिलता है और मिल मिलाकर 5,700 मिलता है। कुछ पैसे उसने 4% पर इन्वेस्ट किए हैं, कुछ पैसे उसने 5% पर इन्वेस्ट किए हैं, कुछ पैसे उसने 8% पर इन्वेस्ट किए हैं। द अमाउंट एट 4% इज 20,000 मोर देन अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%। एज्यूम कर लो कि 5% वाली जगह पर इसने ₹1 इन्वेस्ट किए, तो वो कहता है कि 4% वाली जगह पर जो पैसे इन्वेस्ट किए होंगे वो होंगे एक्स प्लस 20,000। एंड दी इंटरेस्ट फ्रॉम दी 8% इन्वेस्टमेंट इज 8 times दी इंटरेस्ट फ्रॉम दी 5% इन्वेस्टमेंट। 8% वाली इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आता है वो 5% वाली इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट जितना आता है उसका 8 times है। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल्स टू, इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। तो 5% वाली जगह से जो इंटरेस्ट आता होगा वो होगा पी प्रिंसिपल एक्स इंटू आर यानी कि परसेंटेज इंटू टी वन, यानी कि आता होगा यहां से इंटरेस्ट आता होगा 0.05x। तो 8% वाली जगह से जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना होगा, 0.05x इंटू 8, यानी कि यहां से जो इंटरेस्ट आता होगा वो होगा 0.4x। ठीक है, अब उसने ये कहा कि हर जगह का मिलाकर टोटल इंटरेस्ट 5,700 आता है। अच्छा, 4% वाली जगह से जो इंटरेस्ट आता होगा वो होगा पी, यानी कि वहां पे जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, इंटू आर यानी कि 4% इंटू टी। 5% वाली जगह से जो इंटरेस्ट आता है वो हमने कैलकुलेट किया 0.05x, और 8% वाली जगह से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो है 0.4x। ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट बनेगा या टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो 5,700 होगा, ये भी इसने कह दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, 4% जो है वो अगर मल्टीप्लाई हो जाता है 0.04 x, तो 0.04x प्लस 20,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4% से, यानी कि 800 प्लस 0.05x प्लस 0.4x इज इक्वल्स टू 5,700। ठीक है ना, अब 0.04 प्लस 0.05 प्लस 0.4, 0.49x एक जगह पर आता है और 5,700 माइनस 800 4,900 बनता है डिवाइडेड बाय 0.49x जो है ना वो 10,000 बन रहा है। अब अगर x 10,000 बन रहा है इसका मतलब ये हो गया कि 4% वाली जगह पे क्योंकि x प्लस 20,000 इन्वेस्ट किए, यानी कि 30,000 यहाँ इन्वेस्ट किए होंगे। ठीक है, और 5% वाली जगह पर ₹1 इन्वेस्ट किए, यानी कि ₹10,000 यहाँ पर इन्वेस्ट किए होंगे। अब 8% वाली जगह पर कितना इन्वेस्ट किया होगा ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चल सकता है कि हमें ये मालूम है ना 5% वाली जगह पर 10% 10,000 इन्वेस्ट किए हैं और वहाँ का इंटरेस्ट होगा 10,000 इंटू 5% यानी के 500। अब आई इज इक्वल्स टू पी आर टी होता है, 8% वाली जगह से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 5% वाली जगह से जो इंटरेस्ट आ रहा है यानी कि 500, उसका 8 times है, तो 500 इंटू 8 इज 4,000, यानी कि 4,000 इज इक्वल्स टू पी आर टी। अब आप क्या करो, 4,000 डिवाइडेड बाई 8% कर लो, यानी कि पी की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 50,000। उसके बाद आखिरी क्वेरी है 29। अच्छा, 29 सॉल्व करते हैं भाई। 29 में लिखा हुआ है अ फर्म मैन्युफैक्चर्स रेफ्रिजरेटर्स एट 3 प्लांट लोकेशंस ए बी एंड सी। फॉर ईच लोकेशन द फर्म मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स मेड एट दैट प्लांट व्हिच रिक्वायर्स रिपेयर्स बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ वारंटी।
Following is the summary of the information about repairs. Plant A produces 30% of all refrigerators. जितने भी refrigerators बनते हैं 30% इधर बनते हैं, 45% इधर बनते हैं, 25% इधर बनते हैं. तो यार आप एक टेबल बना लो ना, आप एज्यूम कर लो कि कंपनी में टोटल 100 रेफ्रिजरेटर्स बनते हैं. अगर कंपनी में 100 रेफ्रिजरेटर्स बनते हैं, अगर कंपनी में टोटल 100 रेफ्रिजरेटर्स बनते हैं, तो 100 में से 30 ए पे बनते होंगे, 100 में से 45 बी पे बनते होंगे, और 100 में से 25 जो है वो सी पे बनते होंगे. और एक टोटल का कॉलम भी बना लो. यहां पर कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक है ना. अगर पूरी कंपनी में 100 रेफ्रिजरेटर्स बनते हैं तो 30 ए पे, 45 बी पर और 25 सी पे बनते हैं. फिर एक और बात लिखी हुई है, प्लांट ए प्रोड्यूसेस 30% ऑफ ऑल द रेफ्रिजरेटर्स एंड हैज अ रिपेयर रेट बिफोर वारंटी एक्सपायरेशन ऑफ 5%. यानी कि इसमें से 5% जो है ना वो रिपेयर होते हैं और बाकी नॉट रिपेयर, बाकी रिपेयर नहीं होता है. तो 30 का 5% कितना बनता है? 1.5. यानी कि 30 में से 1.5 रिपेयर होते हैं, बाकी बचे हुए जो हैं 28.5 वो रिपेयर नहीं होते. इसी तरह से 45 जो हैं उसमें से 3% रिपेयर होते हैं. तो 45 का 3% ले लो, यानी कि 1.35 रिपेयर होता है. और 45 में से 1.35 माइनस कर दो, यानी कि 43.65 रिपेयर नहीं होता है. इसी तरह से सी पर 7% रिपेयर होते हैं, तो 25 का 7% ले लो, यानी कि 1.75 रिपेयर होते हैं. और 25 में से 1.75 माइनस कर दो, बाकी 23.25 रिपेयर नहीं होता, ठीक है. अब 1.5 प्लस 1.35 प्लस 1.75 ये टोटल बनता है 4.6. अच्छा, इसी तरह से 28.5 प्लस 43.65 प्लस 23.25 ये बनता है 95.4, ठीक है. अब उसने ये बोला था, इफ ए रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स द रिपेयर बिफोर वारंटी, अगर एक ऐसा रेफ्रिजरेटर है जिसको रिपेयर की जरूरत है ही है, यानी कि ये वाली चीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड एट प्लांट बी. यानी कि रिपेयर में से अगर एक रेफ्रिजरेटर को रिपेयर की जरूरत है ही, तो उसमें से इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्लांट बी पे बना हुआ हो? तो 1.35 डिवाइडेड बाई 4.6 होगा, बिकॉज टोटल 4.6 है ना उनको रिपेयर होना, और उसमें से 1.35 बी पे बने हुए. सही, तो यहां पर सारी क्वेरीज रिजॉल्व हुई.